रास्ता ने भाजपा की पहली लिस्ट आने के बाद से लगातार प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। इनमें जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए और इनमें से 3 प्रत्याशियों का विरोध लगातार जारी है। इसके अलावा जिन सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने वाले हैं वही उनके नाम कटने की आशंका चलते नेता अपनी दावेदारी को मजबूत करने में लगे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जयपुर की 19 सीटों में से बीजेपी केवल 7 सीटें ही जीत पाई थी। जयपुर में जोटोड़ा व कोटपुतली सीटों पर घोषित प्रत्याशियों का खुलकर विरोध हो रहा है। वही विद्यादानंद सीट पर अंदर खाने विरोध लगातार जारी है। जयपुर के चौटाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने सांसद कर्नल राजवर सिंह राठौड़ को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और इस सीट पर पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत के समर्थक लगातार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का विरोध कर रहे हैं। रविवार को चुनाव प्रचार दौरान राजपाल सिंह शेखावत समर्थकों ने राजवर्धन सिंह राठौड़ को काले झंडे दिखाए। वही दूसरी ओर विद्याधर नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक व भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर जयपुर के पूर्व राजपरिषद सदस्य और सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया। अब नरपत सिंह की इसे लेकर अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं। वही उनको मनाने की कोशिशें लगातार जारी है।